नास्ता, मुझे लगता है कि पेंगुइन ग्लू यहाँ लगाना चाहिए। हाँ सही कहा ना, मुझे लगता है मुझे इसे यहाँ चिपकाना चाहिए। तो डायना, तुमने क्या फैसला किया है? तुम अपना नया साल स्माइल के साथ मनाओगी? मैरी रहने दो, हमने स्माइल के साथ सुलह नहीं की है, उसने मुझे निराश किया है, ठीक है ना? ओ डायना, मैं उन लोगों से बहुत निराश हूँ। ये लोग पहले बिल्कुल अच्छे थे, अब जब इनका समझ में आ गया है ये दोस्ती सिर्फ मतलब के रखते हैं, पता है? मैरी मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गई होगी। क्यों नहीं डायना। हाँ तो ठीक है लड़कियों, मुझे लगता है कि हमें सेंटा क्लॉस को चिपका देना चाहिए। ओ डायना, मेरा सुझाव ये है कि, ओ डायना ये देखो ये क्या है, कौन है ये तुम और स्माइल, अच्छा है ना? नास्ता, इसमें मजे करने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें पता है ये मेरे और स्माइल के रिश्ते का अंत है। मैं एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लूंगी और वो मुझे बहुत प्यार करेगा, देख लेना तुम लोग, ठीक है ना? वो सच में मुझे बहुत प्यार करेगा। ओ डायना चलो भी बुरा मत मानो, ये मजाक था, ये बहुत प्यारे हैं। हमें यह उपेक्षित चिड़ियाघर अभी कुछ समय पहले ही मिला है, वहाँ मौजूद जानवरों को सच में हमारी मदद की जरूरत है। इन बेचारे जानवरों को बचाने और उनके लिए सहज आवास बनाने में हमारी मदद करें। हमारा गेम डाउनलोड करें और आइए काम पर लग जाइए। पांडा, शेरों और हाथियों को हमारी मदद की जरूरत है। क्या आपने वो सुना? इतने बुरे भी नहीं, चलो अभी नहीं चिपका देते हैं यहाँ पर। नास्ता, इसे तुम अपने घर की दीवार पर चिपका सकती हो, हम नए साल का पोस्टर बना रहे हैं। लड़कियों चलो बंद करो, अब तुम्हारा झगड़ा होने वाला है, इससे बेहतर है पोस्टर में ध्यान लगाओ। लड़कियों वैसे गोंद लगभग खत्म हो चुका है। मेरी बात सुन लो, अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अब उसके पीछे नहीं भागने वाला हूँ। वो खुद को समझती क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझती है वो खुद को। ओफो, तो फिर किसके साथ रहोगे तुम? पता नहीं, शायद मैं अकेले ही रहूंगा। स्माइल, हम लोग बहुत शानदार है, हमें सिर्फ चीयर लीडर्स को ही डेट करना चाहिए, वो लोग बहुत मस्त है। ठीक है चलो अभी हम कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं डायना को सुधार लूंगा, समझा लूंगा, मैं उसके साथ नहीं ब्रेकअप करना चाहता। पता नहीं स्माइल, चलो अभी जल्दी। मुझे लगता है कि अगर मैंने उसके फोन पे कुछ पैसे खर्च कर दिए तो क्या पता डायना मेरी हो जाए, वो मेरी गर्लफ्रेंड वापस से बन जाए, मुझे ऐसा लगता है। आइस, मुझे बर्गर चाहिए मीट के साथ, एकदम बड़े साइज का, ठीक है ना? जूली, यहाँ लड़कों की बात चल रही है, तुम यहाँ बीच में मत बोलो। वो फालतू नहीं है, ये हमारी तरह है, इस पे भरोसा करो, समझे? की मैं कुछ समझी नहीं, क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? तुम लड़कों के बीच में अकेली लड़की हो, ये अजीब बात है ना? हे पात्रिक, लड़कों के बीच में मैं ऐसी हूँ जैसे पानी में बत्तख हो। वैसे दोस्तों क्या लोगे तुम लोग? दोस्तों यहाँ किसने पार्टी करने का फैसला लिया है, मुझे ये बताओ किसने किया है ये सब, बताओ जल्दी मुझे। लड़के लेंगे फिश सूप और जूली के लिए एक बर्गर डबल मीट के साथ। दोस्तों तुम लोग मेरे घर बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सख्त है, तुम्हें बहुत मारेगी। हमारे लिए दो खिलाड़ियों वाला ड्रिंक दो, जल्दी करो। और हाँ, देर मत करना। दोस्तों क्या तुम्हें भी फिश सूप चाहिए बिल्कुल लूजर्स की तरह? बताओ मुझे। हम लूजर नहीं है, ये कार की बातें मत करो आइस। दोस्तों अगर हम किसी के घर नहीं चल सकते तो जूली के घर चलते हैं ना? हाँ ब्रवास्की, तुम मेरे घर आ सकते हो। देखो ब्रवास्की, तुमने कहा था कि मैं फालतू हूँ, चलो मेरे घर पार्टी करने। हाय दोस्तों, क्या तुमने मुझे देखा? मैं फ्रॉक्स की चीयर लीडर हूँ डीमा, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? देखो मुझे। हाँ ओह डीमा, आ इस चीयर लीडर के लिए एक नींबू पानी लाओ। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेंढकों की कॉस्ट्यूम पहन ली है तो तुम्हें ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं। और सुनो, डीमा से दूर रहो तुम, समझ गई? अपनी हद में रहो। ठीक है डीमा, बाद में करते हैं। डीमा मुझे समझ में नहीं आता है कि डायना तुम्हें भाव नहीं देती है लेकिन दूसरी लड़कियां तुमसे चिपकी रहती हैं। आखिर क्या स्पेशल है तुम्हारे अंदर, ये बताओ मुझे क्या स्पेशल है? कोस्टा तुम्हें पता नहीं है क्या मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और क्या? ग्रीन, अगर तुम्हें अगली बार डीमा के आसपास भी देखा तो। ग्रीन, मुझे डीमा की परवाह नहीं है लेकिन अगर तुम कोस्टा के पास गई तो मैं तुम्हारे फीते से तुम्हारी गर्दन को बांध दूंगी। लड़कियों तुम लोग मुझसे क्यों चलती हो? अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार करते हैं तो वो मुझ पर ध्यान नहीं देंगे। तुम्हें समझ नहीं आया? समझ गई समझ गई, मैं चीयरलीडर हूँ जूली। दोस्तों तुमने देखा मैं चीयरलीडर हूँ। सुनो ग्रीन, तुम लड़कों पे लाइन मारना बंद करो वरना मैं समझा दूंगी तुम्हें। Hey, Merry Christmas, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? स्माइल नहीं, चलो चलते हैं। स्माइल शांत रहो, स्माइल। ये क्या है, मैं स्कूल में सबसे ज्यादा स्पेशल होने की कोशिश कर रहा हूँ। स्माइल तुम चुप रहो ना प्लीज, समझा करो क्या हो रहा है यहाँ। हाँ 500 रुपए बहुत बड़ी बात होती है, तुम बर्बाद नहीं यार, मुझे डायना को थोड़ी नसीहत देनी है और मैं दे के रहूंगा। लाइला सुनो, मुझे तोहफा चाहिए, समझी ना तुम? या ना ये बहुत महंगा है, समझी? लाइला तुम्हें ये अपने दोस्त के लिए लेना चाहिए। हाँ स्माइल क्या हम चलें? जो दोस्तों मुझे कुछ आइडिया है। लाइला याना मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ स्माइल मैं सुन रही हूँ, बोलो। कोई सीरियस बात है क्या? हाँ बहुत ज्यादा सीरियस है। स्माइल तुम्हारा क्या प्लान है? चलो चलते हैं।
मैक्स चलो सुनते हैं, लगता है स्माइल के पास कुछ ना कुछ प्लान है। फुटबॉलर्स ये टेबल खाली कर दो, ये बनी का टेबल है, ठीक है ना? हाँ समझ आया। कोस्तिया मेरी कुर्सी तोड़ दोगे क्या? ओ बनी देखो, अब तुम लोग सिर्फ स्पेशल नहीं हो, अब फ्रॉग्स भी स्पेशल है। ग्रीन फिर से शुरू हो गई तो? डायना अगर तुम चाहो तो मेरी गोद में बैठ सकती हो, तुम ज्यादा बेहतर हो इसीलिए मैं बोल रहा हूं। जी माँ, ग्रीन तो पहले ही तुम्हारी गोद में बैठी है, तुम मेरी कुर्सी छोड़ दो प्लीज, समझ गए ना तुम? यहाँ से हट जाओ। वैसे देखो बहुत देर हो चुकी है, मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ, तुम्हारा पोस्टर काफी अच्छा है। और जी माँ तुम याद रखना मैं यहीं पर हूँ। अगर मुझे कभी कोई नहीं मिला तो मैं तुम्हें रख लूंगा, तुम बहुत अच्छी हो मैं जानता हूँ। ग्रीन मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दो तुम। ग्रीन मैं देख रही हूँ तुम गलती से चीयरलीडर बन गई हो, लेकिन अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो, समझ आ गया तुम्हें? फ्रॉग्स ने इसे अपने साथ शामिल क्यों नहीं किया? शांत हो जाओ, इतना भी हल्ला करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ गई तुम? सुनो आइस, हमारा ऑर्डर भूल गए क्या? भूख लग रही है। डायना हम स्पेशल हैं, स्कूल के सबसे स्पेशल। लड़कियों ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये इन्होंने कहा स्पेशल नहीं है। ठीक है बास्केटबॉलर्स मैं सुन रही हूँ। बास्केटबॉल प्लेयर्स तुमसे किस बारे में बात करना चाहते थे? ओ लायला शांत रहो, उनसे बातें मत करो। लड़कियों मुझे पता है कि तुमसे कोई बात नहीं करता है और डायना भी तुमसे बात नहीं करती है, देखा जाए तो हम दोनों एक ही जैसे हैं। स्माइल ऐसा कुछ नहीं है, तुम लड़के हो और हम लड़कियां, समझ गए? लायला बदतमीजी मत करो, क्या पता उसे कुछ जरूरी बात करनी हो। मुझे लगता है कि डायना को नीचा दिखाना चाहिए, मैंने ऐसा सोच रखा है, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये स्माइल क्या कर रहा है? स्माइल चुप रहो। ओ स्माइल, डायना को नीचा दिखाना है, साथ है। हाँ मैं उसे स्कूल में मशहूर होने से रोकना चाहता हूँ और मैं मानता हूँ कि वो हमारे पास खुद ही आ जाएगी। स्माइल हम ये कैसे करेंगे? तुम्हें क्या लगता है डायना के पास जाएंगे और कह देंगे कि डायना तो मशहूर नहीं हो? हाँ नहीं, हम उसके लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। और हमें क्या मिलेगा स्माइल, बताओ? लड़कियों सोचो, डायना स्पेशल नहीं होगी तो तुम्हें खुशी मिल जाएगी और मुझे डायना, वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी। स्माइल तुम मेरे बड़े भाई हो, पर वो गलत रास्ता चुन रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेवकूफ है, वो मुश्किल में आ जाएगा, देखिए। हाँ ठीक है चलो मैं जा रही हूँ। चलो चलो चलते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ कोस्तिया मेरी बात सुनो, तुम हटो हटो साइड दो। ठीक है लड़कियों मैं क्लासरूम जा रही हूँ। ठीक है मेरी बात याद रखना, क्लास के बाद हमें प्रैक्टिस करने जाना है, ठीक है ना? समझ आया? चलो टॉयलेट चलते हैं। नास्ता घंटी बज गई है। तो क्या मुझे अकेले क्लास में नहीं जाना? नास्ता क्या तुम्हें अभी चाहिए? हाँ हाँ डायना। ठीक है जल्दी चलो। ओ बनी यहाँ है, मुझे लगता है वो कैंटीन में ही है। क्या उन्होंने क्लास छोड़ दिया है? हाँ मैरी, क्लास के लिए लेट होना अच्छी बात नहीं है। ओ अकेली चीयरलीडर, इसमें तुम्हारा क्या काम, तुम अपना काम करो। चलो देखते हैं। या ना वो यहाँ नहीं, वो टॉयलेट में ही है। लायला देखो उसका बैग। दरवाजा खोलो या ना, दरवाजा खोलो। हाँ ठीक है। लायला जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। याना मैं इसकी डायरी में कुछ लिखने वाली हूँ, इसके बाद वो स्पेशल नहीं रहेगी। ओ डायना मेरे जूते गंदे हो गए, थोड़ी देर रुको। नास्ता प्लीज जल्दी करो, हमें बोला गया था कि हमें क्लास में लेट नहीं होना है, ठीक है ना? डायना हम मशहूर हैं, हम गंदे जूतों के साथ स्कूल में नहीं घूम सकते। नास्ता माइक टीचर हमसे पूछेंगे कि हम लेट क्यों हो गए, मैं उन्हें बता दूंगी कि नास्ता अपने जूते साफ कर रही थी, ठीक है ना? समझ गई तो मैं बता दूंगी। लायला जल्दी करो ताकि हम पकड़े ना जाएं, जल्दी करो तुम। याना बस हो गया, दरवाजे को पकड़ कर रखो। लायला लायला क्या लिखा तुमने, बताओ? भरोसा रखो सब ठीक लिखा है। नास्ता ये तुम कैसे कर सकती हो, तुम पिछले 5 मिनट से अपने जूते साफ कर रही हो, जल्दी चलो। साफ हुए ना? नास्ता जल्दी चलो, मैं नहीं चाहती टीचर माइक चिल्लाए, ठीक है ना? जल्दी चलो। डायना सिर्फ तुम पर ही नहीं। बच्चों बहुत अच्छा, मैं तुम लोगों के नतीजों से बहुत ही खुश हूँ आज। ओ टीचर माइक क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माफ कीजिए मैं टॉयलेट में थी, काफी भीड़ थी वहाँ। हाँ लायला अंदर आ जाओ, अभी शुरू नहीं हुआ है। ओ टीचर माइक सॉरी, माफ कीजिएगा, हम बस थोड़ा अपने जूते साफ कर रही थी और हमने आपके लिए पोस्टर बनाया है, देखिए। ठीक है लड़कियों बैठ जाओ, बहुत ही अच्छा पोस्टर है वैसे। और शुक्रिया टीचर माइक, हमने पूरी कोशिश की है। हाँ तो डायना और नास्ता ने पोस्टर बनाया है और तुम लोगों का क्या, हमें स्कूल को सजाना चाहिए, समझ गए तुम लोग? माइक सर हमारे पोस्टर तैयार हो रहे हैं। हाँ और वो स्कूल के सबसे बढ़िया पोस्टर होंगे। टीचर माइक मैं गुलाबी क्रिसमस ट्री कैंटीन में लगा दूंगा। गाइस गुलाबी क्यों, क्या ये डायना की पसंद है? डायना और मेरी दोनों की। देखो डायना आज टीचर माइक का मूड बहुत अच्छा है, आज उन्होंने हम पर चिल्लाया भी नहीं। नास्ता दिख रहा है मुझे। हाँ तो बच्चों आज हम सीखेंगे बर्फ पर रखने वाली सुरक्षा के बारे में। ओ, बहुत अच्छा स्केटिंग मुझे बहुत पसंद है।
काश तुम गिर जाओ डायना। बच्चों मुझे चिंता है, मैं नहीं चाहता कि बर्फ पर तुम खुद को चोट लगा दो। ओ टीचर माइक, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नाश्ता देखो, ये लायला माइक टीचर के कान में क्या फुसफुसा रही है, देखो जरा उसे कैसे कर रही है। मुझे लगता है वो उन्हें कोई राज की बात बता रही है, देखो तो जरा। हाँ निजी राज बता दिया मैंने। बच्चों मुझे अभी अभी बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली है। टीचर माइक, क्या किसी को बर्फ पर चोट लगी है? मजाक नहीं, तुम्हें पता है हमारे पास स्कूल में स्पेशल लोग हैं जिनके जैसा हमको बनना है, समझ गए तुम? हाँ टीचर माइक, वो हम हैं। बू बू बू, फ्रॉग्स भी मशहूर हैं। डायना, क्या मैं तुम्हारा बैग देख सकता हूँ? माफ कीजिए सर, लेकिन क्या कहा आपने? डायना का बैग और मशहूर होने से क्या लेना देना, जैसा टीचर ने कहा वैसा करो। डायना मुझे अपना बैग दो। बिल्कुल टीचर माइक, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई गलत चीजें हैं तो आप देख सकते हैं, मेरे जैसा सबको होना चाहिए, ठीक है ना? आप देखिए। पता नहीं क्या हो रहा है ये, पता नहीं शायद किसी ने बताया होगा कि डायना के बैग में कुछ गलत चीज है। कोस्टा, डायना ऐसी नहीं है। डायना, क्या है तुम्हारी डायरी है? हाँ टीचर माइक, ये मेरी डायरी है, लेकिन आप मुझे दे दीजिए ये प्लीज, ठीक है ना? माफ करना डायना, मगर मुझे ये सबको पढ़ के सुनाना पड़ेगा। ओ टीचर माइक, मुझे लगता है कि आप समझे नहीं, ये मेरी निजी चीज है, आप यहाँ पर सबको पढ़ के नहीं सुना सकते हैं, ये बहुत ही गलत बात। क्या चल रहा है डायना, बताओ? पता नहीं नास्तिया, ये क्या है? मेरी प्रिय डायरी, आज मैंने हुक्का पिया। हाँ मुझे पता है मैं एक चीयर लीडर हूँ, खिलाड़ी हूँ, लेकिन मुझे मजा आया। मैं जानती हूँ कि स्पेशल लोगों को कोई गंदी आदत नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को ये पता नहीं। रुको, क्या ये सब क्या मजाक है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं अपनी डायरी में ये सब चीजें नहीं लिखती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे समझाओगी? नास्ता, काश कोई मुझे समझता, लेकिन मैं ऐसी चीजें नहीं लिखती हूँ। ओ, मुझे लगता है कि डायना बहुत बेहतर है, उसे अपने आप को मशहूर नहीं करना चाहिए। नहीं, डायना ऐसा नहीं हो सकती है, मैं जानता हूँ। टीचर माइक, ये शायद नकली है। सच में नकली, ये इसकी निजी डायरी में है, देख लो इसे। डायना तुम स्पेशल नहीं हो अब। हाँ क्या तुम्हें कुछ कहना है? ओ टीचर माइक, क्या मैं अपनी डायरी ले सकती हूँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपनी डायरी में ये सब भी लिख सकती हूँ। ओ टीचर माइक देखिए, ये मेरी लिखावट नहीं है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा ये? ओ डायना। अच्छा तो स्कूल के स्पेशल लोग ये काम करते हैं अब? हाँ हाँ मेढक, क्योंकि स्पेशल असल में स्पेशल नहीं होता है। ओ टीचर माइक देखिए, मैं ए और पी ऐसे नहीं लिखती हूँ, देखिए ये चीज आप। हाँ डायना मुझे पता है कि तुम तीन अलग अलग लिखाई में लिख सकती हो। हाँ तो टीचर माइक, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, ठीक है? मुझे पता है कोई मुझे स्पेशल लोगों में से हटाना चाहता है, इसलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे पता है कि किसी ने ये हरकत की है मेरी डायरी के साथ, ठीक है ना? समझ गई तुम? डायना तुम्हारी डायरी में तुम्हारे सिवा और कौन लिख सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि किसी और ने लिखा, वो भी डायना की डायरी में? बताओ जरा। नहीं नहीं टीचर, ये पक्का नकली है। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या अब हम किसी और मुद्दे पर बात कर सकते हैं? ओ टीचर माइक, क्या स्पेशल लोगों में कोई बुरी आदत नहीं हो सकती? नास्ता तुम सच में पागल हो, ये मेरी लिखावट नहीं है और ये मैंने नहीं लिखा है, और फिर मुझ में कोई बुराई भी नहीं है और ना मुझ में कोई बुरी आदत है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई मुझे फंसाना चाहता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ घंटी बजाएं और हमारे नए वीडियोस का इंतजार करें। तब तक के लिए आप सब लोगों को बाय, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। वो देखो उसे। अच्छा सुनो तुम लोग मेरी बात, फिर से करता हूँ। अच्छा सुनो तुम लोग मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग चलते हैं यहाँ से या और उसके बाद मार देंगे। hey, ये बताओ तुम्हें यहाँ किसने बैठने को कहा? अरे यार क्या हो गया ये? नास्ता तुम्हें पता नहीं है कि ये लोग क्या कर रही है? वो देखो जब उसे कान में फुसफुसा रही है, देखो जरा उसे। हाँ, कोई देखो। निजी राज हो सकता है डायना।